एक और चीज बताइए, आज एक बड़ी खबर टाटा स्टील से जुड़ी हुई आई है। मर्जर है स्टील और आयरन और सारे जितने भी कंपनीज माइनिंग और वो वाले टाटा स्टील, उनको सात कंपनी टाटा है। स्टील 7 कंपनीज को टाटा स्टील के अंदर में मर्जर। कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को और इसका असर कैसे देख रहे हैं? सर टीआरएफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि टीआरएफ का जो दिया गया है एक शेयर के पीछे 17 शेयर, तो उससे क्या होता है टीआरएफ का जो भाव आ रहा है 270 280 आ रहा है, दो और टीआरएफ का भाव 360 350 चल रहा है। इसके अलावा बाकी सारे शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं है और इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाटा स्टील में, क्योंकि आप अगर देखोगे टाटा स्टील का रेवेन्यू और बाकी सारे कंपनी का रेवेन्यू का अगर कंपेयर करोगे तो टाटा स्टील को सिर्फ 15% रेवेन्यू में इंक्रीज मिलेगा, प्रॉफिट में इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादातर कंपनी इतनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और सिर्फ रेवेन्यू में 15% का इंटैक्ट आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि एक साथ 15 कंपनी एक ही तरह की कंपनी इसको मैनेज करना, 7 कंपनी एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है, तो अगर एमलगमेशन हो जाता है और अंदर सारी कंपनी आ जाती है तो मैनेज करना कंपनी के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके हिसाब से टाटा स्टील के लिए अच्छा है, बट अगर आप देखोगे शेयर प्राइस के हिसाब से तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय टीआरएफ के जो थोड़ा सा मुझे लगता है करेक्शन आपको 50-60 पॉइंट का दिखा सकता है, तो आज भी ठीक है, लोअर पर सर्किट उसमें लगा है, कुछ खास अभी पड़ा तक भी नहीं अपर है। सर्किट लग नहीं, रहा था लोअर सर्किट लगा है। जी टाटा इसका स्टील कुछ का असर कोई नहीं खास आ रहा फर्क सर। पड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इसका नंबर्स कैलकुलेशन में करोगे इनका जो फंडामेंटल। सेल है 2 लाख करोड़ के करीब है, इसका जो रेवेन्यू है टाटा स्टील का वो 2 लाख करोड़ का है और टोटल मिला के जो 7 कंपनी है वो 18 से 20 हजार का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो जस्ट 15% है टाटा स्टील का, तो उसको और प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं है ज्यादातर कंपनी, तो ये आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाटा मोटर्स में। ऊपर ऊपर से लगता है ऐसा कुछ हो गया तो ये भाग जाएगा, 20% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, पर एक्चुअली अगर एनालाइज करोगे आप तो कंपनी के लिए अच्छा है बट शेयर प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं।